स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जाम्पल थर्ड क्या है आपके पास। ए प्रोड्यूस्ड मिक्सिज, ए प्रोड्यूसर आएगा भी ठीक है। ए प्रोड्यूसर मिक्सेज टू क्वालिटीज ऑफ टी, वन कॉस्टिंग ₹60 पर के जी एंड अदर कॉस्टिंग ₹80 पर के जी इन द रेशियो 7:3। ही सेल्स द मिक्सड वेराइटी एट द ₹72.60 पर के जी, डिटरमाइन हिज प्रॉफिट। देखो आपके पास क्या दे रखा है, एक प्रोड्यूसर है, उसने क्या किया, आपके पास क्या है, एक तो एक टाइप की चाय पत्ती है ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, दूसरी टाइप की चाय है। ये वाली जो चाय है वो किस हिसाब से है आपके पास, वो है आपके पास ₹60 पर केजी ठीक है। कि एक किलो चाय कितने की है आपके पास, ₹60 की है। दूसरी कितने की है आपके पास, ₹80 पर केजी ठीक है। दूसरी किस हिसाब से है आपके पास, ₹80 की 1 केजी चाय मिलती है आपको। तो इसने क्या किया, दोनों क्वालिटी को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपकी क्या आएगी, यहाँ पे थर्ड टाइप की चाय पत्ती आएगी जिसमें ये भी होगी और ये भी। फिर उसने क्या किया, जो मिक्स करने के बाद आपकी टी आएगी उसको किस हिसाब से बेचा, ₹72.60 पर केजी, मीन्स ₹72.60 का 1 केजी के हिसाब से उसने क्या कर दिया, बेच दिया उसको। तो आपको ये बताना है कि उसको कितना प्रॉफिट होगा ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, किस रेशियो में मिक्स किया है, 7:3 में। मींस अगर आपके पास 7 केजी उसने फर्स्ट टाइप की चाय पत्ती ली है तो दूसरी कौन सी ली है उसने, 3 केजी दूसरी टाइप की ठीक है। एक चाय पत्ती ली कौन सी उसने, ₹60 पर केजी वाली, दूसरी कौन सी ली, ₹80 पर केजी वाली। दोनों को कर दिया मिक्स और इस तरह से मिक्स किया कि एक को लिया है 7 केजी तो दूसरी को कितना लिया है उसने, 3 केजी लिया है ठीक है। तो आपने क्या मान लिया कि जो आपकी चाय पत्ती है फर्स्ट वाली यानी कि ₹60 पर के जी वाली, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी कितनी ले ली उसने, 7 केजी ठीक है। आपने क्या मान लिया, लेट क्वांटिटी ऑफ टी ऑफ कॉस्टिंग कितना, जितनी उस कितनी कॉस्ट हो उसकी, ₹60 पर के जी, उसकी जो क्वालिटी क्वांटिटी है वो कितनी ले ली उसने, 7 केजी ले ली। और दूसरा क्या लिया, लेट क्वांटिटी ऑफ टी ₹80 पर के जी, जो आपके पास ₹80 पर केजी वाली चाय थी उसका कितनी ले ली उसने, 3 केजी ले ली। दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो टोटल क्वांटिटी कितनी बन गई, अब आपके पास टोटल क्वांटिटी बन गई आपके पास 10 केजी, मतलब आपकी यहाँ पे कितनी है चाय की पत्ती, 10 केजी है ठीक है। अब देखो 7 केजी आपके पास फर्स्ट टाइप की चाय है और उसका कॉस्ट कितना है, 1 केजी का कॉस्ट है ₹60। तो 7 केजी का कॉस्ट कितना हो जाएगा आपके पास, इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 केजी टी, कौन सी टी, जो आपके पास फर्स्ट टाइप की चाय पत्ती थी वो वाली, कितना आ जाएगा आपके पास। देखो 1 केजी का रेट कितना है, ₹60, तो 7 केजी का कितना हो जाएगा, 7 × 60 मीन्स कितना हो जाएगा आपके पास, ₹420। अब सेकेंड टाइप की जो टी थी उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास, वो तो 3 केजी थी और थी कैसी, ₹80 पर केजी। तो अगर यहाँ पे 3 केजी है तो इसका जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा, ₹240 आ जाएगा ठीक है। मीन्स फर्स्ट टाइप की जो चाय थी उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 420 और जो दूसरी टाइप की है उसका कितना आ जाएगा, 240। तो इसका मतलब जो 10 केजी आपके पास टोटल चाय थी उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई, 420 यहाँ पे, 240 आपका यहाँ पे, दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा आपके पास, 660। तो इसका मतलब जो आपके पास 10 केजी चाय थी उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 660। अब मिक्स करने के बाद कितना बन गया, 7 केजी तो आपके पास ये थी, 3 केजी ये थी, मीन्स 10 केजी बन गई। और किस हिसाब से बेची उसने, 1 केजी ₹72.60 की बेची। 10 केजी चाय को वो कितने में बेचेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ गया, SP ऑफ 10 केजी मिक्स्ड टी, जो आपके पास मिक्स करने के बाद टी आई है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 केजी का रेट है आपके पास ₹72.60। तो आपके पास 10 केजी का कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास आ गया ₹726। अब देखो खरीदा कितने का, 660 का, बेचा कितने में, ₹726 में। तो आपको क्या होगा, इसमें प्रॉफिट होगा। और कितना प्रॉफिट होगा, आपका जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल थर्ड ठीक है।